हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, साथ में ही मैं इस चैप्टर का बेसिक भी आपको समझा चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको आने वाले सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश चैनल पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए 4.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहाँ हमें एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण से संबंधित हमें ये तीन विकल्प दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है। तो ये विकल्प हमें क्या दिए गए हैं कि ये जो समीकरण है y = 3x + 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके कितने हल होंगे। एक अद्वितीय हल है, यानी केवल एक ही हल होगा, इसका दूसरा हल नहीं होगा। केवल दो हल होंगे या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अर्थात असंख्य हल होंगे, इसके अनेकों हल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दो चर हैं, एक है बाई और एक है एक्स, और दोनों ही चरों की घात क्या है, एक एक है। जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ एक घात होती है। तो इसमें दो चर हैं और दोनों ही चरों की घात एक एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब उसको हम हल करते हैं, उसमें जब एक्स वाई का मान निकालते हैं तो उस एक्स वाई के अनेकों मान निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सत्य है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो चलिए ये देख लेते हैं। आप लिखेंगे, चूंकि y = 3x + 5 को हम ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ax + by + c = 0, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, मतलब जनरल फॉर्म है। कोई भी दो चर वाली रैखिक समीकरण हो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, y = 3x + 5 को इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ax दे रखा है यानी x का पद लिखना, और x का पद हमारा क्या है 3x, जो कि बराबर से राइट हैंड साइड की ओर है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस प्लस के 3x को साइड चेंज करके इधर लेकर आएंगे। तो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हमें मिलेगा यहाँ -3x, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, y का पद, तो y का पद इसमें क्या है +1y, तो हम लिख लेते हैं +1y, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, c यानी अचर पद, तो अचर पद है इसमें +5, जब इसकी साइड चेंज करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक। सारी चीज़ें इधर से इधर आ गई, तो यहाँ क्या बचा, बराबर में 0। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को ax + by + c = 0 के फॉर्म में यहाँ लिख लिया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो समीकरण है ये क्या है, एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। इसीलिए y = 3x + 5 एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है, समीकरण है, ठीक है। अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड सत्य है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होते हैं ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दिया, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें।